आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। ये कार्यक्रम पूरे पारंपरिक रूप से मनाया गया। मंदिर महंत मनोज मिश्रा जी के द्वारा पूरे मंत्रोच्चार से पूजन किया गया और भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा अनमोल रत्न गुलाब चंद सुपारी सुभाष लिटिल मास्टर ओम प्रकाश ने पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस लठामार होली में राधा कृष्ण के स्वरूप के साथ होली खेलने का आनंद दुगना हो गया। राधा रानी की सखियां लहंगा पहनकर जबकि कन्हैया के ग्वाल वाल ने राधा रानी की सखियों के साथ होली का खूब आनंद लिया। इस लठामार होली महोत्सव में ठाकुर जी भजन संध्या भी की गई। श्री वार्षणेय मंदिर के प्रांगण में जो भक्त होली खेलने आए उन्होंने भगवा गुलाल से होली खेली। मंदिर व्यवस्थापक राधेश्याम गुप्ता स्क्रेप ने सभी भक्तों को पट्टा व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। श्री वार्षणेय मंदिर में बरसाने जैसा माहौल देखने को भक्तों मिला। सुमित गोटेवाल ने होली के भजन सुनाया, हम बरसाने वाले हैं। गोपाल वार्षणेय ने मेरो खो गयो बाजू बंद। इस कार्यक्रम में एलडी वार्षणेय धीरेंद्र गुप्ता अनमोल रत्न गुलाब चंद सुपारी वाले मास्टर ओम प्रकाश वार्षणेय फोटो ने पूजन ठाकुर जी का पूजन किया। इस लठामार होली में शामिल मुख्य अतिथि शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ से संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। हम तो ये कहना चाहते हैं अपार पब्लिक आई है, चारों तरफ देखो ऊपर देखो झीना भर रहे हैं, सड़क भर रही है, दुकानदार पहले से ज़्यादा और आनंद आ रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ वृंदावन जैसा माहौल देखने को मिलता है वास्तविक मंदिर में, क्या ये सत्य है? बरसाने राधा रानी पे जो कार्यक्रम होता है उसी की तर्ज पर यहाँ श्री वास्तविक मंदिर पर लठामार होली का आयोजन किया जाता है। तुम्हें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? और अच्छा पब्लिक इतनी आ रही है तो उत्साह ही होता है हमारा। पब्लिक नहीं होगी तो उत्साह नहीं होगा। कितने सालों से कराते आ रहे हैं ये प्रोग्राम आप? ये 20 साल से कराते आ रहे हैं। क्या नाम है भाजी आपका? मेरा नाम मैं सेवक हूँ, राधे राधे कहते हैं मुझे। मयूर वैद है, मैं यहीं रहता हूँ और ये वास्ने मंदिर है, तो मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ। जिस जिसको लल्ला के साथ होली खेलनी है वो आ जाओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी होली सबको। महानगर अलीगढ़ में श्री वास्ने मंदिर में होली महोत्सव का रंगारंग आयोजन हुआ है, आप सभी इसको देखिएगा और लुत्फ़ उठाइएगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और हमने खूब एंजॉय किया। कन्हैया जी के साथ हमने होली खेली और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। आदरणीय आचार्य जी, आज श्री वास्ने मंदिर में किस प्रकार का आयोजन किया गया है? जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी होली का महोत्सव आता है तो लाला तो होली खेलता है, तो ये होली का रसिया कहलाया जाता है। तो विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी भक्तों में काफ़ी उत्साह था राम मंदिर को लेकर के। वैसे भी भक्तों में एक महीना से लगभग उत्सव से चल रहे हैं और आज जो वास्ने मंदिर में अभूतपूर्व जो लठामार होली का आयोजन हुआ है और कई वर्षों तक लोग याद करेंगे, इतनी भारी भीड़ है, आप देख रहे हैं भीड़ को। और मैं इस आयोजन में पूर्णतः समर्पित होकर के आयोजन करता हूँ, कराता हूँ। वास्ने मंदिर सेवा समिति इस आयोजन को बड़ा अच्छी तरीके से करा रही है और मैं वास्ने मंदिर में आए हुए सभी भक्तों का आभार और जो ना आ पाए हैं उनको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। आज के इस श्री वास्ने मंदिर में जो रंगपन्नी एकादशी के कार्यक्रम जो हुआ है लठामार होली, उसमें क्या अनोखा दृश्य देखने को मिला? देखो अद्भुत भगवान की झांकियाँ थी उन्होंने लठामार होली का आयोजन, जो अद्भुत झांकियाँ थी और भगवान की टेसू के फूलों से होली खिलाई और कोई भी ऐसा नेचुरल रंग से कलर से होली खेली जा रही है। व्यवस्थापक जी हमारे और काफ़ी सहयोग में लगे हुए थे सभी लोग। जय श्री राधे। वास्ने मंदिर अपने अधिष्ठापन से लेकर अब तक जितनी भी होलियाँ हुई हैं उनको मथुरा वृंदावन और बरसाने की होली की तरह से मनाता रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज रंगभरनी एकादशी के दिन इतनी भव्य होली का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, लठमार होली का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं समस्त जनपद वासियों को कि उनके लिए होली का पर्व बहुत आनंदमय हो, सुखमय हो और शुभकारी। धन्यवाद।